बढ़ते आगे रुख कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां विधानसभा चुनाव के लिए अलर्ट मोड पर है पुलिस। दरअसल शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। शहर और गांव की सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। हर आने जाने वाले संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। हर किसी की बारीकी से चेकिंग भी की जा रही है। जल्द ही झज्जर पहुंचेगी फोर्स की कंपनियां। पुलिस उपायुक्त की तरफ से यह बयान भी सामने आया कि जल्द ही झज्जर पहुंचेंगी फोर्स की कई कंपनियां और विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। शहर और गांव की सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की तरफ से हर किसी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। शहर और गांव की सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। आने जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि जल्द ही झज्जर पहुंचेंगी कई कंपनियां जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करती हुई नजर आएंगी। फोर्स की कई कंपनियां जल्द ही झज्जर पहुंचेंगी, पुलिस उपायुक्त ने साफ किया है। चुनाव के बारे में हमारे पास अभी तक 3 पैरामिलिट्री का कंपनीज आई है और उसके साथ साथ हमारा IRB कंपनी भी है, प्लस हम जिला पुलिस की तरफ से ऑल इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकास लगा रखी है। आप देख सकते थे झज्जर सिटी में हमने 6 नाका लगा रखी है, सेम बहादुरगढ़ में भी है। उसके अलावा दिल्ली बॉर्डर और अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे रोहतक है, रिवाड़ी है और बगल में दादरी, वो सारा क्रॉसिंग्स में भी हमारा नाका लग चुकी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन अब सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर वाहन की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। हर किसी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और झज्जर को लेकर के पुलिस उपायुक्त का बयान सामने आया है कि कई कंपनियां फोर्स की जल्द ही झज्जर पहुंचेंगी। और बता दें कि शहर और गांव की सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेंद्र, जिस तरह से चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सीमाओं पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस की फोर्स की कई कंपनियां जल्द ही झज्जर भी पहुंचेंगी। आने जाने वाले लोगों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही हैं? जी प्रगति, बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा चुनाव है वो नजदीक बिल्कुल आ चुके हैं और लगभग उम्मीदवारों की सिर्फ घोषणा होनी यहाँ पर बाकी रह गई है। उसी को लेकर के जो जिला पुलिस है वो भी अलर्ट मोड में है और जो नाकेबंदी यहाँ पर लगातार की जा रही है, जितने भी जो नाके लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली सीमा से सटे हुए हैं या दूसरे जिलों से सटे हुए जितने भी जो बॉर्डर्स हैं उन सब पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है और किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के गुजरने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी तरह के संदिग्ध वाहन को या व्यक्ति को जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। इसको लेकर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी मुस्तैद है और जो जो आगामी विधानसभा चुनाव जो जैसे जैसे नजदीक आएंगे उसको लेकर के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर जो है वो अपना आ जाएंगी और उनके जरिए भी जो है वो पूरी जो है वो छानबीन की जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की जाएंगी। तो मिलाकर जो नाकाबंदी की जा रही है उसमें सभी वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है, किसी भी तरह के संदिग्ध वाहन को रोका जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो जिला पुलिस है उसने जो अभी नाकाबंदी चालू की है उसके दौरान ही कुछ गाड़ियों में चेकिंग की तो उनमें कुछ शराब की पेटें भी मिली थी। इसी तरह की और भी अन्य गतिविधियां हैं जो है वो संदिग्ध गतिविधियां उन पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है और लगातार जो जो नाके लगाए गए हैं उन पर जो दिल्ली से सटे हुए हैं या दूसरे जिलों से सटे हुए हैं, चाहे वो रोहतक है, दादरी है या दूसरे अन्य जिले जितने भी झज्जर की सीमा से लगते हैं, उनको जो है उन पर पुलिस की भारी संख्या तैनात की गई है और नाकेबंदी के जरिए दिन रात जो है वो जांच अभियान चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं होगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव को यहाँ पर संपन्न करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।